अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है तो क्या आप बता सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ लाइक और एज का फर्क है, यानी पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है आई वर्कड एज ए स्लेव और दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है आई वर्कड लाइक ए स्लेव। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है? यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज ए स्लेव और लाइक ए स्लेव में बहुत फर्क है। अगर आप बोलेंगे एज ए स्लेव तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक गुलाम था इसलिए मैंने एक गुलाम के जैसा काम किया, लेकिन अगर आप कहेंगे लाइक ए स्लेव तो इसका मतलब होता है कि मैं एक गुलाम नहीं था लेकिन फिर भी मुझे एक गुलाम के जैसा काम करना पड़ा। तो मेरा पहला सेंटेंस जहाँ पर लिखा हुआ है आई वर्कड एज ए स्लेव, इसका मतलब हुआ कि मैं एक गुलाम के रूप में काम किया, यानी मैं एक गुलाम ही था और मैं गुलाम के जैसा काम किया। लेकिन दूसरा सेंटेंस जहाँ पे लिखा हुआ है आई वर्कड लाइक ए स्लेव, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं कोई गुलाम नहीं था लेकिन मुझे एक गुलाम के जैसा काम करना पड़ा या मैंने एक गुलाम के तौर पर काम किया। आइए दो सेंटेंस और देखते हैं। आई वर्क एज ए टीचर, आई वर्क लाइक ए टीचर, इन दोनों में ये फर्क है। जब आप कहेंगे आई वर्क एज ए टीचर तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं एक टीचर का काम करता हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे आई वर्क लाइक ए टीचर तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि नेचुरली मैं कोई टीचर नहीं हूँ फिर भी मुझे एक टीचर के जगह पर काम करना पड़ता है या एक टीचर के जैसा काम करना पड़ता है। अगर लिखा हो आई वर्क एज ए टाइप राइटर, आई वर्क लाइक ए टाइप राइटर, तो इन दोनों सेंटेंस में यह फर्क है। आई वर्क एज ए टाइप राइटर यानी नेचुरली मैं एक टाइपराइटर हूँ इसलिए मैं टाइपराइटर वाला काम करता हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे आई वर्क लाइक ए टाइपराइटर तो उसका मतलब हुआ कि नेचुरली मैं कोई टाइपराइटर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे टाइपराइटर के रूप में काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि एज ए टीचर और लाइक ए टीचर में क्या फर्क है, एज ए टाइपराइटर और लाइक ए टाइपराइटर में क्या फर्क है, यानी एज और लाइक को कैसे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस बात को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।